विनोद सुयाल साहब, कोई आपकी नजर में ना ना बहुत अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, जल जंगल जमीन के मुद्दे पर ये तो सिर्फ नारे बनकर रह गए, लेकिन हम तो लगातार यही कह रहे हैं कि भैया कंगना के अंगरे में किसका क्या काम, हमें उससे लेना देना नहीं। ना हमें हिंदू मुसलमान, ना जात ना पात, हमें तो चाहिए, पूछता है उत्तराखंड की रोजगार कब मिलेगा, बेरोजगारी कब दूर होगी, पलायन कब बंद होगा, इन मुद्दों पर चुनाव हो। क्यों विनोद सुयाल साहब आप चुनौती स्वीकार करते हैं? मैंने तो कल भी कहा था कि आंकड़े दीजिए, किसने कितना रोजगार दिया। आम आदमी पार्टी को भी बोला कि दिल्ली में कितना रोजगार दिया, सूची जारी करें। आपको भी बोला, आपने कितना रोजगार दिया, सूची जारी करिए। हरीश रावत ने अपने कार्यकाल में कितना रोजगार दिया, वो भी सूची जारी करें। मैं तो खुली चुनौती और खुली बहस की बात कर रहा हूं कि मंच तैयार है, जवाब दीजिए। सुयाल साहब सिर्फ इतना बताइए ना कि आपने रोजगार तो दिया, चुनौती स्वीकार है सुयाल साहब? तैयार है कांग्रेस पार्टी के, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी के नेता हरीश रावत ने चुनौती दी थी कि रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ, हमारी सरकार ने उनको बाई नेम जो रोजगार दिया है उसकी सूची उपलब्ध करवाई है। उसके अलावा हमने जो स्वरोजगार से लोगों को जोड़ा है उसकी भी हम सूची उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हमने उत्तराखंड के अंदर इस 1.5 साल के कोविड के होने के बावजूद भी, इस महामारी के बावजूद भी, लोगों को जिस तरह की रोजगार योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है, उस सब का हमारे पास खाका है और लोगों को उससे लाभ प्राप्त हुआ है। उन सबकी सबका बायोडाटा हमारे पास उपलब्ध है। इसलिए मुझे लगता है कि केवल केवल विपक्ष का काम भारतीय जनता पार्टी को अच्छे कामों को न देखना। आप मुझे ये आप लिस्ट जारी करेंगे ना, लिस्ट जारी करेंगे ना विभाग के अनुसार, विभाग के अनुसार नाम पता फोन नंबर सब कुछ बिल्कुल पूरी लिस्ट जारी करेंगे। और मैं कह सकता हूं कि जो विपक्ष है 4.5 सालों तक सोता रहा, अब केवल अनर्गल प्रलाप कर रहा है। ओके, चाहे वो ओके। अमित जोशी, यही चुनौती मेरी आपको है, जगह पता वक्त आप लोगों का तय। उत्तराखंड बोलेंगे देहरादून, बोलेंगे देहरादून, पौड़ी बोलेंगे पौड़ी, गढ़वाल बोलेंगे गढ़वाल, माड़ा गांव बोलेंगे माड़ा गांव, चलूंगा मैं आप लोगों के साथ। जहां सूची जारी करेंगे वहां बोलिए, मैं चलता हूं। बोलिए, दिल्ली का आंकड़ा भी देंगे आप कि हमने इस मॉडल पर रोजगार दिया, इसी मॉडल पर हम उत्तराखंड में रोजगार देंगे, इतने रोजगार देंगे, पहली कलम से देंगे। बोलिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5 सालों में युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया है। 55,000 सरकारी पद आज भी खाली है। फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का पेपर लीक हो जाता है, नर्सिंग भर्ती का पेपर लीक हो जाता है। सर आज की खबर सुनिएगा, आज जो एपीओ एपीओ की भर्ती होती है, जो ये लोक सेवा आयोग की होती है, उसके पेपर के जो प्रार्थी हैं उनके नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि भाई आज आप जो है हम आपको पेपर लीक करवा देंगे। ये आज की खबर है। उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर सारे विभागों को ठेकेदारी प्रथा के हवाले कर दिया गया है। सारे विभागों में आज वार्ड बॉय, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए अल्मोड़ा का, श्रीनगर का देख लीजिए, अस्पताल देख लीजिए, सारे विभागों में ठेकेदार के माध्यम से नौकरियां दी जा रही है। जहां पर घूस दी जा रही है तब नौकरी मिलती है। हमारे कर्नल पोटियाल साहब ने बाल विकास मंत्रालय की इसी को एक्सपोज भी किया था, जहां पर उनको बकायदा गार्ड की नौकरी दी गई चंपावत के अंदर। ये नौकरी देने की बात, अच्छा अब आप दिल्ली की बात करते हैं, मैं आपको दिल्ली की बात भी करता हूँ। जब दिल्ली में कोरोना काल था, सेकंड वेव आई थी, सर हमने जॉब पोर्टल के माध्यम से इंडस्ट्रीज और आम आदमी को जोड़ करके 10 लाख लोगों को रोजगार दिया। डेटा हम आपको दे देंगे, लेकिन सवाल उत्तराखंड का बनता है, बेरोजगारी दर उत्तराखंड, नहीं उत्तराखंड की बेरोजगारी दर बता रहे हैं आप, मुझे दिल्ली की बताइए ना कितनी है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा, सबसे पहली बात जो उत्तराखंड की, अगर बात बेरोजगारी सर दिल्ली की, कोरोना काल तो पूरे देश में था ना, मतलब आपके लिए कोरोना काल था कि बीजेपी के लिए नहीं था? उसके बावजूद नौकरी दी ना। मैं आपसे बेरोजगारी दर पूछ रहा हूँ, दिल्ली की बेरोजगारी दर कितनी है सर? सर दिल्ली की बेरोजगारी दर एग्जैक्ट आंकड़ों में मैं आपको ये बता नहीं सकता अभी, क्योंकि मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उत्तराखंड के बारे में बताना नहीं है, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की बात। सर उत्तराखंड की बात कर लेते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी पहले मुख्यमंत्री ये दावा करते थे कि 7.5 लोगों को रोजगार दिया, 7.5 लोगों से घटते घटते आज 3,500 लोगों के रोजगार पे बात आ गई है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर ये 3,500 लोगों को भी रोजगार उन्होंने दिया होगा तो आप जहाँ मुझे कहेंगे मैं वहाँ चलूंगा आपके साथ, माड़ा गाँव चल रहा है वहाँ चलूंगा, या चौकुटिया चल, नहीं अपनी लिस्ट भी लेकर आइएगा सर। मैं तो सबके नहीं, तराजू सबके लिए बराबर है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है भैया कंगना ने क्या बयान दिया, कंगना क्या बयान देने वाली है, कंगना क्यों बयान देने वाली है, मेरे को हिंदू मुसलमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम तो लगातार एक एजेंडे पर काम कर रहे हैं।
कि बेरोजगारी के मुद्दे पर, जल जंगल जमीन के मुद्दे पर नारे तो खूब लगे, लेकिन वोट चाहिए इस बार तो पूछेगा उत्तराखंड कि आपने क्या किया। नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो विनोद सियाल जी को भी चैलेंज कर रहा हूं, अमित जोशी जी को भी कर रहा हूं और आपको भी कर रहा हूं कि विभाग के अनुसार सूची जारी कर दे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, नंबर साथ दीजिएगा, नाम साथ दीजिएगा। बोलिए धीरेन्द्र जी। देखिए, जहां तक चैलेंज का सवाल है, चैलेंज तो उनको देंगे ना, जो सत्तारूढ़ पार्टी है। मैं चैलेंज तीनों को दे रहा हूं, क्योंकि आप ही चैलेंज दे रहे हैं कि भैया अहम करके मेरे को, फिर या तो ये बोल दीजिए धीरेन्द्र प्रताप जी कि हम कैबिनेट की पहली बैठक में पहली कलम चलाएंगे, इतने लोगों को रोजगार देंगे, मैं इस पर भी सहमत हूं। बोलिए। देखिए, जहां तक सरकार का सवाल है, मैंने आपको पहले कह दिया हमारी प्राथमिकता इस राज्य को एक सुशासन देने की और इस राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने की। सर, लोकायुक्त तो ला नहीं पाए आप, पहले नंबर पर आ गए हम, इसको भ्रष्टाचार का जो कलंक उत्तराखंड की। सर, भ्रष्टाचार का कलंक तो कई लोगों पर लगा, आपने अपनी गोद पर बिठाया उनको। या बोलिए, मैं नाम लूं, आप तो नाम भी नहीं ले पाएंगे जिन्हें आपने भ्रष्टाचारी बोला, जिनके स्कूटर के नंबर तक जारी हुए। देखिए, ऐसा है कि जिस मुद्दे पर आप जा रहे हैं और स्कूटर के नंबर जारी हुए हैं, उसको भी आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। हाँ, नंबर जारी करना एक बात है और उसको सिद्ध करना। सर, सिद्ध तो एनएच भी नहीं हुआ, सिद्ध तो 56 घोटाले भी नहीं हुए, सिद्ध तो 156 घोटाले भी नहीं हुए, सिद्ध तो कुंभ घोटाला भी नहीं हुआ, सिद्ध तो ढांचा बीज प्रकरण भी नहीं हुआ, और बताइए सर कितने बताऊं। घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं ना, घोषणा पत्र की। नहीं नहीं, मैं बताता हूं, नहीं मैं बता रहा हूं, अमित जोशी जी, आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र। अब देखिए, धीरेन्द्र जी नाराज हो जाते हैं मुझसे, मैं तो उस दौर की बात करता हूं धीरेन्द्र जी, जब आप अनुशासन समिति के सदस्य हुआ करते थे और किशोर उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने तो किशोर उपाध्याय जी ने इतनी लंबी एक किताब लेकर गए, वो कहा हरीश रावत जी ये हमारा घोषणा पत्र है, इसे पूरा करना है। अब धीरेन्द्र प्रताप जी बोलिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूं, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, देखिए तिलक चावला को सब याद रहता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पांच बार किशोर उपाध्याय जी वो जत्था लेकर गए और कहा कि हरीश रावत जी ये हमारा संकल्प पत्र है, जब आप पूजा करें तो इसको अपने सामने रखें। मैं गलत बोल रहा हूं धीरेन्द्र प्रताप जी? गए थे किशोर भाई? हां जी, किशोर भाई गए थे, ठीक है। किशोर भाई क्या हुआ? किशोर भाई गए थे पार्टी के नेताओं, गए थे, गए थे। अब तो मानेंगे कि तिलक चावला तुम गलत इलजुल बातें नहीं कर रहे, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप लोग घोषणा पत्र बनाए, अमित जोशी जी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की पीड़ा है, मैं पिछले 21 सालों से देख रहा हूं, समझ रहा हूं, इसलिए वही सवाल और वही मुद्दे उठाता हूं। धीरेन्द्र जी भी जानते हैं, अभी गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन धीरेन्द्र जी को पता है, ये पिछले 16-17 सालों से मेरे साथ डिबेट में कई शामिल हुए, धीरेन्द्र जी जानते हैं। मैं तो यह कह रहा हूं कि जब इस बार, एक और चुनौती देता हूं, इस बार आप लोग जब अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, चाहे कोई भी पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट कुछ भी कह लीजिए उसे, आप लोग बनाइए अपना विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, और वही संकल्प पत्र, घोषणा पत्र एक एफिडेविट के रूप में कोर्ट में दाखिल कर दीजिए, कोर्ट में। अब इससे होगा क्या कि आपने जो कमिटमेंट जनता से किया है कि हम 100 दिन में यह करेंगे, 200 दिन में यह करेंगे, 300 दिन में यह करेंगे, वही घोषणा पत्र जब एफिडेविट के रूप में जनता के सामने कोर्ट में देंगे आप, तो कोर्ट में 101वें दिन जनता कोर्ट में जाकर उसी मुद्दे को उठा पाएगी उसी एफिडेविट के आधार पर, और आप लोगों पर मुकदमे होंगे, आप लोगों पर मुकदमे होंगे, और आपकी पार्टी कार्यालयों में वो मुकदमों की फहरिस्त तैयार हो जाएगी और आप संकल्प पत्र बनाना भूल जाएंगे।